भला इतना भी कोई गिर सकता है क्या? अरे युद्ध को युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित रहने देना, यह साधारण सी मर्यादा तक वो निभा नहीं सका। जीजा दुर्गावती की बहन का अपहरण कर लिया उसने, उस मुगल ने। समाज में सदैव बुराइयां अच्छाइयों से कई अधिक गति से पनपती है, इसलिए उनका प्रतिकार कठिन से कठिन हो जाता है। अच्छाई और बुराई में जब भी संघर्ष की स्थिति आए, उसे तुरंत निर्णायक मोड़ तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि बुराइयों को जितना अधिक समय आप दोगे, वे उतनी ही गति से फैलती चली जाएगी। तो आपका ये कहना है कि हमें शीघ्र ही गोंडवाना जाकर कमलावती की लाज बचाने के लिए आपकी ओर से पूर्ण पूर्ण सहमति है? ये तो हर उस भाई का नैसर्गिक कर्तव्य है जो राखी बनवाते समय अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। इसमें हमारी सहमति असहमति का प्रश्न कहां से आ गया प्रताप? रानी मां, हमारे मन में कोई द्वंद्व नहीं है। यदि कोई चिंता है तो वो दाजीराज की है। हमारे इस अभियान में जाने के निर्णय को लेकर वे कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। भय तो इस बात का है कि दाजीराज के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनमें कोई खटास ना आ जाए। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक धर्म युद्ध है, और ये बात राणा जी भी जानते हैं। अब वे अपने पुत्र को अपना युद्ध लड़ने दें या उसे अपने महलों में अपने लिए सुरक्षित रखें, इस द्वंद्व को वे कैसे शांत करते हैं, ये उनकी समस्या है प्रताप। आप क्यों पड़ रहे हैं इस आंतरिक द्वंद्व में? हम सभी को पल पल अपनी अपनी महाभारत लड़नी पड़ती है, जो अपना युद्ध, अपना कर्तव्य, अपना धर्म छोड़कर औरों की समस्या को देखने बैठ जाता है, वो ना तो अपना धर्म युद्ध लड़ पाता है और ना ही जीत पाता है। आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जो भी निर्णय हो, हम उसमें सफल हों। विजयी भाव। हे प्रभु, हमारे पुत्र की रक्षा करना। अरे रे 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 रे। कहां जा रहे हैं अमर सिंह जी? हमारे दाजीराज कहीं जा रहे हैं और हम तुरंत पता लगाना चाहते हैं कि वो कहां जा रहे हैं। आपको इतना भी नहीं पता? नहीं। वो तो युद्ध करने जा रहे हैं। युद्ध? अकबर से? तब तो हम भी जाएंगे उनके साथ। हाँ हाँ, आपको तो अवश्य जाना चाहिए। अब आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी रहे। आपने तलवारबाजी करना कितनी अच्छी तरह से सीख लिया है। सोचिए मत, कहीं वो चले ना जाए। जाइए जी। सिंह जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी आपके साथ चल रहे हैं दाजीराज। जी नहीं अमर सिंह जी, आप हमारे साथ इस आत्मघाती अभियान में नहीं जा सकते। यदि आप हमारे साथ सम्मिलित होंगे तो आपके लिए संकट भरा हो सकता है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर प्रताप। हम है ना इनका ध्यान रखने के लिए। अर्थात आप भी आ रही हैं क्या? अमर सिंह जी के लिए तो आना होगा, कितना मनाया इन्हें।
पर ये हमारी बात ही नहीं सुनते। केवल हमारे लिए और हमारी बुआ रानी दुर्गावती जी के लिए। और वे हमारी ननद भी तो लगती है। समझ गए। तो वास्तव में आप दोनों की ये मिली भगत है हमारे साथ रहने के लिए। तो फिर चल रहे हैं ना हम? हाँ, अपने हमारे लिए और कोई दूसरा विकल्प छोड़ा ही नहीं। आज अब दे अपने पुत्र को संभालिए, बहुत नटखट हो गए हैं। हम दादजा से मिलकर आते हैं। गोंडवाना के वीर सेनापति आज शत्रु ने अपनी कायरतापूर्ण कार्यवाही कर हमारे सामने एक विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। अपहरण कर लिया है उसने हमारी बहन और उनको छुड़ाने का ये अभियान बहुत खतरनाक हो सकता है, लगभग आत्मघात। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप में से जिसने भी अपनी इच्छा से इस अभियान में हमारे साथ सम्मिलित होने का निर्णय लिया है वो एक बार फिर से सोच ले, क्योंकि एक बार इस अभियान में आने के बाद वापस जाने की कोई जगह नहीं। यदि आप में से कोई भी इस अभियान से बाहर जाना चाहता है तो उसे ऐसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि उसकी इस कार्यवाही को देशद्रोह नहीं माना जाए। मेवाड़ की कुंवर प्रताप स्वयं हमारा साथ देने के लिए गोंडवाना आ रहे हैं। हमारी बहन कमलावला मात्र गोंडवाना की ही लाज नहीं अभी तो समस्त राजपुताने की भी लाज बन चुकी है। जय भवानी। हमारे स्पष्ट रूप से ना बोलने के उपरांत भी कुंवर प्रताप इस आत्मघाती अभियान के लिए क्यों जा रहे हैं? भूल क्यों नहीं जाते इन मुगलों को? अगर उनको कुछ हो गया तो? कैसे नहीं जाएंगे राणा जी? दुर्गावती जी ने कुंवर प्रताप को राखी बांधी है, बुलाया है उन्होंने, कैसे उनकी रक्षा करने वे गोंडवाना ना जाए? धीर भाई जी, सबके लिए एक सहस्त्र सुरक्षित उपाय सोचे जा सकते हैं। यदि कुंवर प्रताप ने अकबर के अभियान में बाधा डाली तो अकबर कुंवर प्रताप को छोड़ेगा नहीं। समस्या क्या है कुंवर प्रताप की? क्यों वो हर बार अपने हृदय से सोचते हैं, बुद्धि से सोच ही नहीं पाते? सावधान, कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। धीर भाई जी, कह दीजिए कुंवर प्रताप से कि हम विश्राम कर रहे हैं, हम किसी से मिलना नहीं चाहते। राणा जी, छोटी मां, ताजीराज। कुंवर प्रताप बड़े समय के बाद अब जाके उनकी आंख लगी है। ठीक है, हम उनके विश्राम में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। ताजीराज, हम अपने राजपुताने की गौरव की रक्षा में सफल हो, आशीर्वाद दीजिए हमें। जाइए धीर भाई जी, और कुंवर प्रताप की तिलक आरती कीजिए। जो हुक्म राणा जी। कुंवर प्रताप, ये एक छोटी सैन्य टुकड़ी जो इस अभियान के लिए हमने चुनी, हमारे विचार से जिससे आप प्रधान सेनापति के पद के लिए नियुक्त करना चाहते थे, इस अभियान में अगर वो भी साथ चलते तो उचित होता। हमें अनुमान लगा लेना चाहिए था आचार्य जी कि जैसे बचपन में वे अपने मन के राजा थे,
वे आज भी ठीक वैसे ही है। वर्षों से उनके मन में दबी हुई खटास को नहीं मिटा पाया हमारा निमंत्रण पत्र। अर्थात आप भी उन्हें ही नियुक्त करना चाहते थे जिनके बारे में हम भी मन ही मन सोच रहे थे। शक्ति सिंह, हमारे छोटे भाई। जी आचार्य जी, उन्हें ही बनाना चाहते थे हम अपनी सेना का प्रमुख सेनापति, किंतु वे तो आए नहीं। गौर प्रताप, ये बात उचित है कि उनसे उपयुक्त इस पद के लिए और क्यों हो नहीं सकता, किंतु यदि वे नहीं आना चाहते तो इस अभियान से लौटते ही आपको इस पद पर किसी न किसी को अवश्य ही नियुक्त कर लेना चाहिए। हम अवश्य उन्हें प्रमुख सेनापति नियुक्त करेंगे, किंतु उस आत्मघाती अभियान से लौटने के पश्चात। यदि इस अभियान से लौटे तो? अजीराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं डोरा जी, हमारी अनुपस्थिति में आपको यहाँ रहकर उदयपुर की रक्षा करनी और चक्रपाणी आपको यहाँ रहकर हमारे दाजीराज का ध्यान रखना है। दाजीराज, क्या ये भी आपके साथ चल रहे? जी, इन्हें अपनी बुआ से मिलना है और अजब दे इनके साथ रहेंगे। आपका पूरा परिवार आपके पदचिन्हों पे चल रहा है, अठी और निर्भीक। आचार्य जी, बात तो कुछ ऐसी है, तभी तो देखिए ना, आज तक शक्ति सिंह ने हमारा निमंत्रण पत्र स्वीकार ही नहीं किया। ये शक्ति कौन है? अमर सिंह जी, आदर से उनका नाम लीजिए, वे आपके दाजीराज के भाई हैं। मतलब हमारे काका? तो वे हमारे साथ क्यों नहीं रहते? की यात्रा मंगलमय रहे। अब वक्त आ गया है भांजे, जहांपनाह को पत्र लिखने का। हमारी तैयारी पूरी है मामा। आदरणीय जहांपनाह, आपको सूचित करते हुए आपका ये तुच्छ सेवक गौरवान्वित आभास कर रहा कि प्रताप गोंडवाना के लिए प्रस्थान कर चुके। आपने प्रताप को पकड़ने के लिए जो चारा डाला वो सफल रहा। आशा करते हैं कि अब गोंडवाना में आपका प्रताप शिकार सफल और आनंददायक रहेगा। आपका तुच्छ सेवक रायमल। मामा, हम एक काम करते हैं, हम एक बार फिर से इस पत्र को जमा के लिखते हैं। हमारा तो शहंशाह अकबर के साथ पहला पत्र व्यवहार है ना, हम चाहते हैं कि हम अपनी सुंदर लिखावट से प्रभावित करते शहंशाह अकबर को। भांजे, अकबर को तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, अनपढ़ है वो तो। क्या इतिहास में वर्णित सभी राज्यों से कई विशाल साम्राज्य पर बिना पढ़ना लिखना जाने शासन कर रहे हैं शहंशाह? मामा, हमें तो ऐसी विभूति के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, और हम देखो, हम यहाँ इन मूर्खों के बीच में घिरे हुए हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था, हमें चले जाना चाहिए था अकबर के साथ विश्व विजय अभियान पे, वही हमारे असली योग्य स्थान है। बस भांजे, इसी तरह अपने मामा का अनुसरण करते रहिए, आपकी ये भी अभिलाषा बहुत शीघ्र पूरी कर देंगे। कैसा पत्र है, हम पढ़ना चाहेंगे। कैसा पत्र है, हम पढ़ना चाहेंगे। बहना, आप संभवतः ये जानती कि हम एक स्वतंत्र राज्य के स्वतंत्र राजा हैं। हमारा पत्र व्यवहार पढ़ने का आपको कोई अधिकार नहीं।
हमारे क्या अधिकार है कि आप हमें मत बताएं। बहना, ये हमारा निजी पत्र है, आप नहीं पढ़ सकती इसे। रानीमा, आप खुला अपमान कर रही हैं मामा का, और हम अपने मामा का अपमान नहीं साइन करेंगे। आपने तुरंत वो पत्र मामा को नहीं लौटाया तो हम कूद जाएंगे यहाँ से। बहना कूद जाएगा, बहना कूद जाएगा। कुंवर जगमाल, ऐसा क्रूर परिहास मत कीजिए हमारे साथ। ठीक है किंतु आप भी आज के बाद मामा का अपमान नहीं करेंगी। क्या बात है मामा, आप मुस्कुरा रहे? आनंद की मुस्कुराहट है भांजे। अरे हमें तो अभी अभी पता चला कि आपकी माँ के मन में अभी तक वही पहले वाला अपार प्रेम भरा पड़ा है। तो यही पुत्र प्रेम हमारी बहना को पहले वाली षड्यंत्रकारी धीर भाई बनाएगा। कब तक हमारी बहना अच्छा बनने का अभिनय करेगी? कभी तो आना पड़ेगा ना उनको अपने असली रंग में। और भांजे, ये अंधा पुत्र प्रेम तो ऐसा हथियार है जिसको अपने हित के लिए सफलतापूर्वक कभी भी प्रयोग कर सकते। करते भी तो क्या, कोई हमारे घर की लाज पर आक्रमण करने का दुस्साहस करे तो क्या हम शांत रहेंगे, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? नहीं भाई। तो आओ कायरो, हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। प्रताप, बहुत अच्छे, तो आज तुम स्वयं हमारे समक्ष आ गए। वर्षों की हार्दिक अभिलाषा पूरी कर दी तुमने हमारी। निकालो अपनी तलवार, हमें तुम्हारे साथ दो दो हाथ करने कोई दिलचस्पी नहीं है प्रताप, क्योंकि हमारे मंसूब तुम्हारी सोच से बहुत ही बड़े हैं। सर कर्म कर दो इसका। वो प्रताप, क्या हुआ रणजीत? जल धीर भाई जी, चल। क्या हुआ राणा जी? बहुत चिंता हो रही है कुंवर प्रताप की। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है धीर भाई जी कि अपने आवेगशील प्रवृत्ति के लिए कुंवर प्रताप को बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। हे काना, प्रताप बड़े ही महत्वपूर्ण अभियान पे जा रहे हैं, बहुत संकट है उनके मार्ग में। रक्षा कीजिए मेरे प्रताप की।
तो दादी राजा में नहीं सुन सकते ना, तो आप बताइए हमें शक्ति काका के बारे में विस्तार से। अच्छा, तो आप अपना घोड़ा छोड़कर अपनी मासा के पास इसलिए आए हैं? नहीं, हम तो यहाँ सिर्फ इसलिए आए क्योंकि हमें आपकी याद आ रही थी। अमर सिंह जी, अपनी मासा के साथ चतुर होने का प्रयास मत कीजिए, सदा पकड़े जाएंगे आप। अच्छा ठीक है, मान लिया, पर अब तो हमें बताइए शक्ति काका के बारे में। आपके शक्ति काका आप ही की तरह निडर, हठी और वीर थे। वे और आपके दाजी राज साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही खेलते थे और अपना शस्त्राभ्यास भी साथ ही में करते थे। आपके दाजी राज और शक्ति काका के मूल्य भी एक ही थे, परंतु उनके मार्ग भिन्न भिन्न थे। आपके शक्ति काका इतने आवेगशील थे कि उनके लिए जो गलत था बस वो गलत ही था। तुम्हारा साहस कैसे हो गया हमारे सामने हमारे दाजीराज के लिए ऐसे अपमानजनक ढंग से बोलने का? यदि शक्ति काका इतने अच्छे थे तो बड़े दाजीराज ने उन्हें महल से क्यों निकाला? क्योंकि आपके बड़े दाजीराज को लगा कि वे गलत थे और आपके शक्ति काका इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने एक बार भी प्रयास नहीं किया उनसे ये कहने के लिए कि वे गलत नहीं थे। यदि शक्ति काका दाजीराज के साथ होते दाजीराज का बल दुगना हो जाता है ना? यदि आपके शक्ति काका आपके दाजीराज के साथ होते तो वे दोनों आकाश से धरती पर चांद तारे भी ले आ सकते थे। मत पूछिए महाराज, एक सरफिरा है जो मात्र एक सोने की मुहर के लिए 100-100 धनुर्धरों के तीरों का सामना करने के लिए तैयार हो गया है, और वो भी आंखों में पट्टी बांधकर। हम तो उन्हें ही देखने जा रहे हैं। दाजीराज, हम भी देखेंगे उस सरफिरे को। अमर सिंह जी, क्यों हट कर रहे हैं आप? आपके दाजीराज आपको वापस भेज देंगे महल में। अवश्य जाएंगे उस सरफिरे को देखने। यदि कोई ऐसा सरफिरा हमारे साथ सम्मिलित हो जाता है तो इससे हमारी सैन्य शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी, और फिर वीर चाहे जितना भी सरफिरा की ना हो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। वाह भाई, बात तो है इस वीर में। अरे बात कैसे नहीं है, कोई दे सकता है ऐसी असंभव चुनौती? तीन तीन धनुर्धर और एक तलवारधारी, वो भी आंखों में पट्टी बांध के। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज ये जिंदा भी बचेगा या नहीं। चाहे उसकी आंखें बांध दो, आते हुए तीर को भी कान से सुन सकता है। अरे भाई साहब, हमें तो मूर्ख लगता है और मूर्खतापूर्ण इसकी चुनौती। अरे कहीं पागल तो नहीं है? भाई साहब, हमें तो लगता है जीवन से इसका मोह ही खत्म हो गया है। सब आपको पता नहीं है, वो एक बार जो ठान लेता है ना उसे करके दिखाता है। चुनौती कितने धन में ठहरी हुई है भाई साहब? मात्र एक स्वर्ण मुद्रा पे। स्वर्ण मुद्रा? आचार्य जी, ये तो सचमुच एक सरफिरा लगता है। मात्र एक स्वर्ण मुद्रा के लिए अपने प्राणों को संकट में डाला है। धन की क्या बात है, बात तो यहाँ अपने कौशल दिखाने की। भाई लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कोई आवाज नहीं करेगा।
इनमें क्षमता है। सही शक्ति से जहां पना प्रताप अपने परिवार के साथ एक दिन में ही गोंडवाना पहुंच जाएगा। अगर आपका आदेश हो तो हम अभी अपनी सेना भेजकर प्रताप को बीच में ही बंदी बना सकते हैं। कोई फायदा नहीं है मान सिंह, आपने मुगल फौज भेजी और उसने उसे हरा दिया, तो इस बार हम चाहते हैं कि प्रताप एड़ियां रगड़ता खुद हमारे दर तक आए। गुस्ताखी माफ जापना, लेकिन ऐसा असंभव है। प्रताप अपना सर कटवा लेगा लेकिन आपके सामने नतमस्तक होने के लिए कभी नहीं आएगा। मानसिंह, जब से हमें पता चला है कि हम बाप बनने वाले हैं, उसी वक्त से हमें एक नई बात का भी इल्हाम हुआ है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। इतनी बड़ी कमजोरी जिसके सामने उसके सारे उसूल, उसकी सारी खुददारी धरी की धरी रह जाए। कहाँ है हमारी स्वर्ण मुद्रा? वो राजपूत है जिसे यह नहीं लगता कि इस स्वर्ण मुद्रा को पाने योग्य। आपने कोई कौशल दिखाया? तुम्हारा इतना दुस्साहस हमने इन सब लोगों के सामने प्रण लिया था और इन सब लोगों के सामने हमने उसे पूरा किया। लाओ, हमारी सोने की मोहर हमें दे दो। किंतु इस मुद्रा पर तो उसका नाम लिखा है जो इसका विजेता है। जीत किसकी होगी ये तो अब तक तय नहीं हुआ, तो फिर कैसे दे दे वापस? नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, क्योंकि जहां जीत होती है वहां सिर्फ एक नाम होता है, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह हम जानते थे कि आप और कोई नहीं बल्कि हमारे भाई शक्ति ही हो सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मैं शक्ति का कहा ना, हम जाके खम्मा गड़ी कर ले उनसे। अभी नहीं अमर सिंह जी, पहले अपने दाजीराज को अपना जादू दिखाने दीजिए। जी, यदि आपको ये स्वर्ण मुद्रा वापस चाहिए तो उसके पूर्व आपको हमें हराना होगा। जाओ जाओ पथेक, इस तरह अकारण किसी को पराजय का मुख दिखाना अच्छा नहीं लगता हमें। और कोई भी हमारे सामने युद्ध जीत कर निकल जाए ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। लगता है हारे बिना मानोगे नहीं। तो बोलो, किस हथियार से लड़ना चाहोगे हमसे? हम तो केवल तुमसे प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, युद्ध नहीं। चूंकि प्रतिस्पर्धा मित्रों और अपनों के बीच होती है, किंतु युद्ध तो शत्रुओं के बीच होती है। और मित्रों के लिए हथियार की क्या आवश्यकता?
हमारे हाथ ही पर्याप्त है। मित्र बोलकर यह मत समझ लेना कि हम तुम पर वार नहीं करेंगे। हमें स्वीकार है। ये रही स्वर्ण मुद्रा। अब जो ये प्रतिस्पर्धा जीतेगा ये स्वर्ण मुद्रा उसकी होगी। तो कहिए कहिए शक्ति से क्या है आपने दम दम। अब तुम इन्हीं वस्त्र में लड़ोगे क्या? प्रताप के घर वालों को गिरफ्तार कर लो, उसकी बीवी, उसका बेटा, फिर देखना उनकी खातिर कैसे रेंगता हुआ आता है हमारे पास। देख लेना गिड़गिड़ाता हुआ भीख मांगता अपने बीवी बच्चों की जान। उसके जाती रिश्ते सबसे बड़ी ताकत है ना उसकी। देख लेना उन्हीं रिश्तों को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देंगे हम। देखिए ऐसी मलिश हमने पहले दादा भाई प्रताप का ठीक पहचाना आपने। खम्मा घणी रानी सा, ऐसा लगता है मानो साक्षात किसी देवी के दर्शन हो गए हो। आप दिन भर कुंवर प्रताप के सुमंगल के लिए पूजा पाठ करती हैं, सर्वथा उचित। हर समय कितनी समस्याओं से घिरे रहते हैं कुंवर प्रताप। पूजा तो हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं, और रही बात कुंवर प्रताप की समस्याओं की, तो उनके अपने लोग यदि अपने लक्षण सुधार ले तो समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमारे हाथ तो कुंवर प्रताप को सदा आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं रानी साहब। कभी आशीर्वाद देने के लिए तो कभी किसी को गुप्त संदेश भेजने के लिए। आप हम पे आरोप लगा रही हैं गुप्तचरी का? हमने बताया था जीजा को कि आप कहीं किसी को कोई संदेश भेज रहे थे, परंतु हम पता नहीं लगा पाए कि किसे भेज रहे थे। लगता है इस महल की रानियों को विशेष बैर है हमसे। अकारण संदेह, अकारण कटाक्ष क्षमा चाहते। हमें तो केवल अपने भांजे के अगाध प्रेम ने रोक रखा है इस महल में, वरना हम तो कब के। अब तो देख लिया ना आपने जीजा, ये हम अपने परिवार वालों के साथ भी उलझने में हिचकिचाते नहीं, फिर भी आप हम पे संदेह करती हैं। यदि आप एक पग और उठा लेते
कहां भेज रहे हैं आपके भाई वो संदेश, तो आपको भी समझ में आ ही जाता ना कि हमारा संदेह सही है या आधारहीन। किंतु वो आपने किया नहीं और वो आप कभी करेंगे नहीं। आप तो राजकुंवर हैं मेवाड़ के, फिर यहां साधारण लोगों की भीड़ में क्या कर रहे हैं? हमसे मिलने तो निश्चित ही नहीं आए होंगे। सत्य कहें तो आज हम आपसे मिलने नहीं निकले थे, किंतु हां आज से पहले कई बार हमने प्रयास किए आपको मिलने के, कई बार, और कितनी ही बार आपने हमसे मिलना नहीं चाहा, और कितनी ही बार आपने हमारे निमंत्रण प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नहीं आना हमें उदयपुर, जिसके नाम में ही उनका नाम छिपाओ, जिन्होंने हमें हमारे घर से निकाल दिया था। नहीं आना हमें उदयपुर, जिसके नाम में ही उनका नाम छिपाओ, जिन्होंने हमें हमारे घर से निकाल दिया था। आप हमारे लिए पुत्र नहीं, एक अपराधी। ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसने आपको अपना काम कर रहे रक्षा अधिकारी पर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया, उसके प्राण लेने पर विवश कर दिया? वैसे ही ऐसा राजा है, सदा ही अपने निर्बल इच्छा शक्ति को, अपने आदर्श को, अपने न्याय की बड़ी बड़ी बातों की आड़ में छिपाया है। भाई शक्ति, ताजीराज का स्वास्थ्य बहुत रुग्ण है, पर कई उपचार के उपरांत भी नहीं हो पा रहा है समुचित स्वास्थ्य लाभ। जी, यदि आप उन्हें कह सकें तो कह दीजिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारी भी शुभकामना है। शक्ति काका, अब स्वयं ये बात बड़े दर्जे अच्छे कहेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। ये आपके भतीजे अमर सिंह। अमर सिंह, एक अरसे बाद देख रहे हैं आपको। आचार्य, आप अत्यंत प्रसन्नता हुई आपको देखकर। आयुष्मान भाव। दादा भाई प्रताप, आपके साथ आचार्य भी हैं, आपका परिवार भी है, अवश्य ही आप किसी महत्वपूर्ण अभियान पर जा रहे हैं, फिर तो हम बिल्कुल विलंब का कारण नहीं बनेंगे। जी हाँ, हम गोंडवाना जा रहे हैं रानी दुर्गावती की सहायता करने और उस मुगल का सामना करने। यदि आप चाहें तो आप अवश्य हमारे संग आ सकते हैं। वाह दादा भाई प्रताप, वाह, आप नहीं बदलेंगे, और वो मुगल वो भी तो नहीं बदला। जब आप नहीं बदले तो वे भला क्यों बदलेंगे? भाई शक्ति, जब तक वो मुगल हमारी धरती पर है, हमारी मातृभूमि पर संकट बना रहेगा। बस बस दादा भाई प्रताप, हमें नहीं आना आपके शब्दों के जाल में। हम अपने इस जीवन में खुश हैं, खुला खुला, ना कोई मित्र और ना ही कोई शत्रु। और वैसे भी आपके इन मूर्खतापूर्ण दुस्साहसों के लिए कोई स्थान नहीं है हमारे जीवन में। जिसे आप दुस्साहस कह रहे हैं वो हमारा धर्म है, तो निभाइए आप अपने धर्म को और हम अपना धर्म निभाएंगे। दीजिए कौन बता, हमारे विचार से हमें अपने अभियान के लिए प्रस्थान करना चाहिए, विलंब हो रहा है। ठीक है, आपका शुभ मंगल, यही कामना करते हैं, और आपका भी ऐसा ही। और हाँ, हमारे भतीजे का ध्यान रखिए। आधे लोग जंगल के इस कोने में छुपेंगे, आधे लोग पहाड़ी के पीछे जाएंगे, और जैसे ही प्रताप का काफिला आएगा दोनों तरफ से टूट पड़ेंगे। जाओ।
हुजूर, प्रताप की क्या खबर है? वो जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है हुजूर। और शक्ति सिंह, क्या उसने भी प्रताप से हाथ मिला लिया? क्योंकि अगर दोनों ने हाथ मिला लिया तो उनको पछाड़ना नामुमकिन हो जाएगा। बोलो, बोलते क्यों नहीं? भूत बनके क्यों खड़े हो? नहीं हुजूर, शक्ति सिंह तो चला गया अपने रास्ते। माशाल्लाह माशाल्लाह। रुक जाइए, आचार्य जी, वो स्थान उचित प्रतीत होता है विश्राम और भोजन के लिए। उस खंडहर में रुककर हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। आप में से चार सैनिक यहां रुककर अजब देव और अमर सिंह जी का ध्यान रखेंगे। तब तक हम आचार्य जी, हम जाकर देख कर आते हैं कि यहां कोई जल की व्यवस्था है या नहीं। बाकी सभी सैनिक हमारे साथ आए। महारानी साहिबा, आप यहाँ पे बैठिए, हम सब बाहर खड़े हैं। माँ, पता है, जैसे ही उन्होंने सोने की मोहर शक्ति काका की ओर उछाली ना, तो दाजीराज ने उसे हवा में पकड़ लिया और पत्थर पर रख के शक्ति काका को चुनौती दे दी। फिर दोनों के बीच मालयुद्ध आरंभ हो गया। अचानक से पता नहीं कैसे शक्ति काका ने दाजीराज को पहचान लिया और दोनों गले मिल गए। और हमने शक्ति काका से खम्मा घड़ी भी की और शक्ति काका ने ये भी कहा कि मार्ग में वे ध्यान रखे हमारा। अमर सिंह जी, यदि आज वे हमारे साथ होते ना तो बहुत अच्छा होता, आपको भी उनका स्नेह और मार्गदर्शन मिल जाता। महारानी साहब, अपने आप को बचाइए महारानी साहब, कहीं जम जाइए महारानी साहब। प्रताप कहाँ है? हम नहीं बताएंगे कहाँ है दाजीराज। गुस्ताख, तेरी ये मजाल। अमर, माँ, छोड़ो मेरी माँ को। बता कहाँ है प्रताप, बता। नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा तो तेरी गर्दन उड़ा देंगे। उड़ा दो मेरी गर्दन। तो ये ले। यदि हमारी भाभी सा और हमारे भतीजे पर किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें नोच देंगे। हमें नहीं आना आपके शब्दों के जाल में। हम अपने इस जीवन में खुश हैं, खुला खुला, ना कोई मित्र
और ना ही कोई शत्रु। अभियान में सम्मिलित होने के लिए ना बोलकर आपने कितना कुछ कर दिया। क्यों भाई शक्ति, क्यों? बचपन में एक बार हमारा मृत्यु दंड रुकवा कर आपने हमारे प्राण बचाए थे। रुक जाइए। आज हिसाब बराबर। देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खमा घड़ी भाभी साहब, इस तरह धन्यवाद कहकर हमें लज्जित मत कीजिए। हमने जो कुछ भी किया हमारा कर्तव्य था। माँ, अब तो आप अकेले बैठिए पालकी में, हम तो शक्ति काका के साथ उनके अश्व पर बैठेंगे। आचार्य जी, इन मुगलों को पता कैसे चला कि हम इस मार्ग से गोंडवाना जा रहे हैं? अवश्य है, निरंतर कोई हमें देख रहा था, हमारा पीछा कर रहा था। हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे पास एक योजना है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहो मान सिंह, क्या खबर लाए? दुख की बात है चांपना कि जो फौजी टुकड़ी हमने प्रताप और उसके परिवार को बंदी बनाने के लिए भेजी थी, वो अपने कार्य में असफल ही जा। और टुकड़ी के नायक का कहना है कि प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह अचानक से आ गया, और जिसने इस समय प्रताप कहाँ होगा? वो गोंडवाना पहुंच चुका होगा चापना। जीजा के एक संदेश पर आप आ गए कुंवर प्रताप। जीजा, हम तो पहले ही आ जाते हैं। मिले हमारे छोटे भाई से, शक्ति सिंह। खम्मा घड़ी रानी साहब। घड़ी खम्मा, आपके दादा भाई के हम जीजा हैं, तो इस नाते हम आपकी भी बड़ी बहन हो। जीजा, आप चिंता मत कीजिए, हम बहन कमलावती को अवश्य वापस लेकर आएंगे। समय के अभाव के कारण बिना कोई समय व्यर्थ किए हमारे विचार से हमें रणनीति बना लेनी चाहिए। मानसिंह, इस वक्त गुस्सा करने या मातम मनाने से तो कुछ हासिल होगा नहीं। इन फिजूल बातों से अपना दिमाग खपाने से हमारा ही नुकसान होगा, और वो ये होगा कि हम प्रताप से एक कदम आगे नहीं रह पाएंगे। इसलिए उस नाकामयाब फौजी टुकड़ी को ईंटों के भट्टे में डलवा दिया जाए, ताकि हमारे दूसरे सिपाहियों को ये सबक मिल जाए कि शहंशाह हिंद के बताए गए काम को करने की नाकामयाबी का क्यों हश्र हो सकता है।
ऐसा ही होगा जहांपनाह। और अब वहां गोंडवाना पहुंचकर प्रताप दुर्गावती के साथ मिलकर क्या क्या मंसूबे बना रहा है, क्या क्या कर रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी हमें मिलती रहनी चाहिए। जी जहांपनाह। ये रहा उस किले का मानचित्र जहां अकबर ने हमारी बहन कमलावती को बंदी बना कर रखा है। कुंवर प्रताप, आप हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे और उन मुगल सुरक्षा कर्मियों को सोचने का समय दिए बगैर हम उन पर आक्रमण कर देंगे। सेनापति जी, सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश दें। ठहरिए। उस मुगल को उसी के घर में हराना, पराजित करना यह आसान नहीं होगा। यदि हमें उसे पराजित करना है, हराना है, तो हमें उस पर आक्रमण करना चाहिए अपने ही चुने हुए स्थान पर, अपने ही चुने हुए समय में। ऐसा कैसे होगा? अकबर क्यों आएगा आपके चुने हुए स्थान और चुने हुए समय पर फंसने? आप पहले उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो अवश्य ही हमसे मिलने आएगा और हमारे ही चुने हुए स्थान पे। चूंकि आक्रमण करने से पहले हम कुछ ऐसा करेंगे उसके साथ जिसकी अपेक्षा उसने सपने में भी हमसे कभी नहीं की। जैसे कि? जैसे कि एक अत्यंत गोपनीय अभियान, और इस अभियान में हमारे साथ आचार्य जी और भाई शक्ति जाएंगे। हम तीनों आगरा जाएंगे आपकी बहन कमलावती को उस मुगल के चंगुल से छुड़वाने। देखो बेटा कमलावती, हट छोड़ो और मान लो हमारी बात। हमने तुम्हारी ओर से रानी दुर्गावती के लिए एक संदेश लिखा है, इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मात्र एक निवेदन है, थोड़ी सी करुणा के साथ लिखा है हमने। पढ़कर सुना देते हैं तुम्हें। आदरणीय जीजा, यदि आप बिना शर्त अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगी तो मेरी और आपकी दोनों की मर्यादा बच जाएगी, मेरी लाज की रक्षा भी हो जाएगी जीजा, और गोंडवाना भी अपमानजनक परिणामों से बच जाएगा। मुझे यहाँ शहंशाह अकबर ने आश्वासन दिया है कि वे आपको पहले ही की भांति गोंडवाना की रानी बनी रहने देंगे। जीजा, हमें तो शहंशाह अकबर के ये सभी सुझाव बहुत भले और लाभकारी लग रहे हैं, इसीलिए हम फिर एक बार आपसे हाथ जोड़कर अकबर के समक्ष बिना शर्त समर्पण करने का निवेदन कर रहे हैं। आपके त्वरित और सकारात्मक उत्तर की अभिलाषा में अपनी लाज और मर्यादा की रक्षा के लिए आपकी अनुकंपा की अपेक्षा में आपकी प्रिय बहन कमलावती। देखा, कुछ भी इधर उधर नहीं लिखा है हमने। बस बेटा, इस पर हस्ताक्षर कर दो। आप राजपूत हैं मानसिंह जी? ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रही हो तुम हमसे? सच कहा आपने, हमारा प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण था। आप भला राजपूत कैसे हो सकते हैं? कमलावती, राजपूत अपने बहन बेटियों का सौदा नहीं करते। कमलावती, राजपूत मुगल शहंशाह के लिए स्वाभिमानी और स्वतंत्र राज्यों की बहन बेटियों के छल से अपहरण कर उनकी स्वतंत्रता के सौदों के बिचौले नहीं बन सकते हैं। तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो कमलावती। हम तो केवल आपको इतना याद दिला रहे हैं कि हमारे धमनियों में आज भी क्षत्रियों का रक्त बह रहा है और हम मर जाएंगे लेकिन आपके इस संदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जी तो करता है, अभी इसका सर अलग कर दूं धड़ से, पर विवशता ये है कि इस मूर्ख भेड़ को शहंशाह अकबर प्रताप को घेरने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। चाहे जितना विश्व मन कर ले, जीवित रखना पड़ेगा इसे। बहन को बंदीगृह से छुड़ा लाएंगे।
और जैसे हम उसे छुड़ाएंगे निश्चित रूप से उसे पता चल जाएगा और वो क्रोध से आग बबूला हो जाएगा और हमारे पीछे आएगा। उसी क्रोध के आवेग में हम उसे भगाते 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 उसी स्थान पर ले आएंगे जहां हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार होगी उस पर आक्रमण करने के लिए। बस उसी स्थान पर उसे एक भारी मूल्य चुकाना होगा हमारे अपमानों का। यही है हमारा गोपनीय अभियान। क्षमा करें कुंवर प्रताप, किंतु बहुत बचकानी लग रही है आपकी योजना हमें। बुरा मत मानिएगा, किंतु बहुत निराश किया है आपने हमें। हमने कितने किस्से सुने आपके रण कौशल के, और आप सेनापति जी अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें। सेनापति जी, आपने जो कुछ हमारे बारे में सुना है अवश्य ही उस मुगल ने भी सुना होगा, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा हमें लेकर जो आज तक ना ही किसी ने सुना है और ना ही किसी ने देखा हो। कुंवर प्रताप, हमें आपकी योजना ठीक लग रही है, किंतु हमारे मन में एक प्रश्न है कि योजना के पहले भाग में केवल आप, शक्ति सिंह जी और आचार्य जी ही हैं, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। रानी साहब, हम भले ही संख्या में तीन हैं, किंतु विश्वास कीजिए, यदि योजना दादा भाई प्रताप की है तो काम अवश्य हो जाएगा। देशद्रोही है कुंवर प्रताप आपका। हम मूर्खों को भी पूरा संभलने का मौका देते हैं, पूरे 24 घंटे दे रहे हैं सोचने के लिए, और इस संदेशे को भी यहीं छोड़कर जा रहा हूं। सिपाहियों, जब तक ये इस संदेशे पर हस्ताक्षर नहीं करती, इसे खाने के लिए कुछ भी ना दिया जाए। अकबर का नमक खाने के बजाय हम मरना ही पसंद करेंगे। इतना अभिमान, ये पानी भी तो शहंशाह अकबर का ही है। नहीं मानसिंह जी, ये पानी हमारी धरती माँ का है। अच्छा, तो पी लो फिर ये पानी। भाइयो, तुरंत थोड़ा नमक मिला दो इस पानी में। शहंशाह के नमक से परहेज करेगी, मात्र 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। हस्ताक्षर कर देना इस पर चुपचाप। शहंशाह कमलावती ने मना कर दिया हमारे संदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए, अब क्या करें जहां पना? इंतजार प्रताप के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस लड़की को बचाने वो खुद यहां आए। एक भाई के क्रोध को तो हम संभाल सकते हैं, ये तो दो असंतुष्ट भाइयों को संभालना कठिन होगा हमारे। भले ही मारवाड़ अकबर के विरुद्ध आपका साथ नहीं देगा, किंतु मारवाड़ का सिपाही हमेशा हर कदम पर आपके लिए तत्पर रहेगा। रहने दीजिए कुंवर प्रताप, भाई मित्र ये सब मात्र आपके लिए निर्जीव शब्द भर है। नहीं भाई चंद्रसेन, ऐसी कोई बात नहीं है। कुंवर प्रताप, आप हमें अपना भाई मानते हैं, और ऐसे खतरनाक अभियान में आप जाते समय हमें भूल गए। एक बार पूछकर तो देखते हैं, पर नहीं, आप हमें अपना भाई मानते कहां हैं? हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा? और आप हमसे क्षमा मतलब? अच्छा अच्छा ठीक है,
बाप हमारे संग चल सकते हैं। क्यों जीजा, क्या भी आपको हमारी योजना पर कोई संदेह? हमें इसकी सफलता पर कोई संदेह नहीं है। हम आपकी योजना से पूर्ण रूप से सहमत हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम हर मूल्य पर आगरा जाकर कर कमलावती को उस मुगल के चंगुल से अवश्य ही मुक्त करवाएंगे। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी।